हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक जादुई ट्रिक। वो जादू ट्रिक है कि आप लाइन कमांड की मदद से लाइन ड्रॉ करते हैं, बट जिस डायरेक्शन से आप लाइन ड्रॉ किया है उसी डायरेक्शन में अगर आप वापस आ जाते हैं तो लाइन आर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको पहले प्लेन सेलेक्ट करना होगा, तो आप इसमें से कोई एक प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट करने वाले हैं। टॉप प्लेन सेलेक्ट करने के लिए आपको टॉप प्लेन वाले आइकन पे राइट क्लिक करना होगा। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्केच का आइकन दिखाई दे रहा होगा। आप इस स्केच पे क्लिक करें तो अब आप स्केच मोड में आ गए। यहाँ हम लाइन कमांड की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको लाइन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लाइन पे क्लिक करेंगे आपका लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगा। अब आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा जहाँ से आप लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे हम ओरिजिन पॉइंट से लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा लाइन ड्रॉ होना शुरू हो गया। दूसरा, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ तक हम लाइन चाहते हैं, तो हम यहाँ तक लाइन चाहते हैं तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये आगे जो डायरेक्शन है हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम इससे पीछे जाएंगे। जैसे हमने पीछे आ गया और फिर हम वापस आ जाएंगे। तो अब देखिए ये लाइन जो है ये आर्क में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह अगर आप देख पा रहे होंगे ये देखिए, आप पे क्लिक करें और स्केच से बाहर जाने के लिए राइट क्लिक करके सेलेक्ट पे क्लिक करें। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से हम लाइन कमांड से आर्क कमांड में आ गए। अब हम इसमें डायमेंशन और रिलेशन लगाएंगे। तो चलिए डायमेंशन देते हैं। डायमेंशन देने के लिए आप स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करें तो आपका डायमेंशन कमांड एक्टिव हो गया। अब इस लाइन पे क्लिक करें और यहाँ पे 100 mm एंटर। अब ये आर्क है, यहाँ पे इसका रेडियस देना होगा तो हम यहाँ पे रेडियस देते हैं 50 mm और एंटर। अब देखिए हमने डायमेंशन दे दिया और इससे बाहर जाएं। पर स्केच अभी भी अंडर डिफाइन है, स्टेटस में देख रहे होंगे आप। तो डिफाइन करने के लिए आप इस पॉइंट पे और शिफ्ट के साथ इस पॉइंट को क्लिक करें और है मेक ए वर्टिकल, तो हम यहाँ पे वर्टिकल पे क्लिक करेंगे और इसको ओके करें। तो अब देखिए स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया, कलर भी चेंज हो गया और स्टेटस में भी दिखा रहा है कि फुल्ली डिफाइन है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो आने तक हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।